हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपने JFrame के अंदर या एप्लीकेशन विंडो के अंदर इमेज ऐड करा सकें एज अ बैकग्राउंड, एज अ फोरग्राउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक एप्लीकेशन विंडो क्रिएट करूँगा, न्यू अदर्स, इसका नाम मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। मैंने एक एप्लीकेशन विंडो क्रिएट की है जिसका नाम मैंने रखा है बैकग्राउंड इमेज। ये है मेरी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड इमेज ऐड कराते हैं जो हमारी डायरेक्ट कंटेंट पेन पे या पैनल पे ऐड नहीं होती, जबकि वो एक लेबल पे ऐड होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेआउट को एब्सोल्यूट करेंगे और एक लेबल ऐड करा देंगे। मैंने एक लेबल ऐड कराया, अब इस लेबल के ऊपर इमेज ऐड होगी। मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं कि यहाँ पे वो इमेज का लिंक दे देते हैं और इमेज हमारे पास शो हो जाती है और वो कर देते हैं, लेकिन जब वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं या अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, वो इमेज ही नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके PC में जिस लोकेशन पर वो इमेज पड़ी हो वो हर जगह उसी लोकेशन पे पड़ी हो और उसी डायरेक्टरी में पड़ी हो। तो इसके लिए ज़रूरी है वो इमेज आपको प्रोजेक्ट में ही ऐड करानी पड़ेगी। प्रोजेक्ट में इमेजेस रखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सोर्स फोल्डर क्रिएट करना होगा। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू सोर्स फोल्डर, और यहाँ सोर्स फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ इमेज। पहले मैंने वैसे एक क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। न्यू सोर्स फोल्डर इमेजेस, ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरी जहाँ पर पिक्चर पड़ी है वो मैं पिक्चर ड्रैग कर लूँगा अपने इसमें प्रोजेक्ट में। ये मेरी पिक्चर पड़ी है, इमरान खान साहब की पिक्चर है, वन ऑफ माय फेवरेट। इस पिक्चर को ड्रैग करेंगे इस रिसोर्स फोल्डर में, ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखें हमारी पिक्चर रिसोर्स फोल्डर में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लेबल क्रिएट किया था उसके नीचे उसके अंदर ही इमेज आइकन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इमेज आइकन, इमेज IMG रख देता हूँ ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकॉन। एरर दे रहा है क्योंकि हमने इमेज आइकन की क्लास इंपोर्ट नहीं की। इंपोर्ट कर देंगे क्लास, क्लास को एक्सेस करेंगे दिस डॉट गेट क्लास, डॉट रिसोर्स फोल्डर को एक्सेस करेंगे गेट रिसोर्स, और यहाँ पे इमेज का नाम दे देंगे। इमेज का नाम क्या है, इमरान डॉट JPG। इमेज लिखनी है विद एक्सटेंशन, जो इमेज की एक्सटेंशन है यहाँ पर लिखना लाजमी है। अब हम जहाँ पे ऐड करा रहे हैं उस लेबल का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको लिखेंगे लेबल डॉट सेट आइकन, और यहाँ पर इमेज आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनाया था उसको पास कर देंगे। डिज़ाइन में आके देखेंगे, ये देखें हमारी इमेज ऐड हो चुकी है। अब इसका साइज जो है ना इमेज के हिसाब से हम खुद ही सेट कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर में चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कर लूँगा। कोई बटन क्रिएट करने है जो भी है हम कर लेंगे। इसी तरह हम अपनी इमेज को ऐड कराएंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस था, इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें क्लास को एक्सेस करेंगे, फिर गेट रिसोर्स का मतलब है रिसोर्स फोल्डर जो हमने बनाया उसको एक्सेस करेंगे और क्लास का नाम देंगे स्लैश क्लास का नाम विद एक्सटेंशन, और उसी इमेज को सेट आइकन के जो मेथड है उसमें पास कर देंगे।
रिसोर्स फोल्डर बनाने का सिंपल तरीका है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, रिसोर्स फोल्डर पे क्लिक करना है और एक रिसोर्स फोल्डर क्लिक करना है और यहाँ इस रिसोर्स फोल्डर में अपने आप आइकन्स वगैरह डेटाबेस का लिंक भी यहाँ पर रख सकते हैं, आइकन्स बैकग्राउंड इमेजेस जो आपका जो है ना सोर्सेज हैं, जो आपकी पिक्चर्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं वो आप इस फोल्डर में रख सकते हैं और उनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।